क्लास 12 चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो क्या एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब धारणा। और ये क्या होती है यूटिलिटी? पर्सन से पर्सन चेंज होती है। और यूटिलिटी को मेज़र करना क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। हमने इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। यूटिलिटी वो होती है एक ऐसी कॉमोडिटी की क्या करती है, वांट्स को, हमारी जो पावर है, हमारी सेटिस्फेक्शन है, उसको फुलफिल करती है। इट इज़ नॉट ओनली पर्सनल बट रिलेटिव टू, इट चेंजेस विद प्लेस एंड टाइम। जो यूटिलिटी है वो व्यक्तित्व तो होती है, साथ में उसके साथ रिलेटिव सापेक्षिक भी होती है। और ये प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। इसके दो अप्रोच है। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण। द टू मैन अप्रोच टू मेजर यूटिलिटी आर, फर्स्ट कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हम हिंदी में कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण। कार्डिनल का हिंदी में होता है गणनावाचक और अप्रोच का दृष्टिकोण। सेकेंड ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल को हम हिंदी में कहते हैं क्रमवाचक। तो यूटिलिटी के कितने मेज़र करने के लिए क्या है, दो अप्रोच बताए गए हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच को हम डिफरेंस के थ्रू समझेंगे। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच डिफरेंस के थ्रू बताया गया है। इसमें मीनिंग भी दे रखी है और साथ में इनके डिफरेंस भी बताए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी या अप्रोच जो हमने अभी देखा था वो होता है क्या, मीनिंग देखेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी इज़ दैट यूटिलिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब गणनावाचक दृष्टिकोण या उपयोगिता वह यूटिलिटी होती है जिसे हम एग्जैक्ट यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इकाई में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर सेज दैट ही गेट्स 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ कॉमोडिटी, इट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल बताया, जैसे एक व्यक्ति है, एक उपभोक्ता है, वो क्या कर रहा है, उसने कितनी, उसने उपयोगिता के लिए 10 यूटिल्स ली, मतलब 10 क्या की उसने यूनिट्स परचेस की कॉमोडिटी की, तो वो क्या हो गया उसकी कार्डिनल यूटिलिटी हो गई, क्योंकि वो 10 यूनिट्स क्या कर रहा है, शो कर रहा है, बता रहा है कि 10 क्या है उसका मेजरमेंट है, एग्जैक्ट यूटिल्स है। कार्डिनल यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन रैंक एज मोर यूटिलिटी और लेस यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी हिंदी में होता है क्रमवाचक उपयोगिता। तो वो होती है ये जिसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या की जाती है, यूटिलिटी को रैंक में मोर या लेस इस प्रकार किया जाता है, उसे मेजर एक्सप्रेस किया जाता है रैंक के थ्रू। मोर यूटिलिटी या लेस यूटिलिटी इसमें यूनिट्स नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ रैंक के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस किया जाता है। तो यह थी ऑर्डिनल यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर से ही गेट लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सेकेंड यूनिट इन कंपेरिजन टू फर्स्ट यूनिट, इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। जैसे बताया गया कि एक कंज्यूमर क्या कहता है कि एक उसने कंपैरिजन किया एक यूनिट का दूसरी यूनिट से, और उसको सेटिस्फेक्शन क्या आ रहा है, उससे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है उसके लेस सेटिस्फेक्शन या मोर सेटिस्फेक्शन। तो ये होती है उसकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। मेजरमेंट देखेंगे हम, यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स। जो यूटिलिटी है कार्डिनल यूटिलिटी को नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 etc। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मेजरमेंट। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। जो यूटिलिटी है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। इट कैन नॉट बी मेजर, इसे मेजर नहीं किया जा सकता। ओनली प्रिफरेंस और रैंक और ऑर्डर ऑफ सेटिस्फेक्शन इज एक्सप्रेस्ड। इसमें से प्राथमिकता, रैंक, ऑर्डर या सिर्फ सेटिस्फेक्शन ही हमारी क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। तो कार्डिनल यूटिलिटी हो गया जिसे हम यूनिट्स यूटिल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में। और ऑर्डिनल यूटिलिटी वो हो गया जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर में, शो नहीं होती है वो, सिर्फ इसे हम क्या कर सकते हैं, एज अ सेटिस्फेक्शन या एज अ रैंक के रूप में हम इसे शो कर सकते हैं। फोर्थ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है। यह सब्स्टिट्यूट गुड और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो पूरक गुड होते हैं और जो एक दूसरे के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन ऑर्गेनाइज नहीं करती। ये क्या होती है, अपने पर ही इंडिपेंडेंट
यूटिलिटी ऑर्गेनाइज करती है। वहीं ऑर्डिनल यूटिलिटी की हम अगर बात करें तो ये इंडिपेंडेंट यूटिलिटी नहीं है, ये क्या करती है सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में रिलेशन रिकॉग्नाइज करती है। फिफ्थ अदर नेम कार्डिनल यूटिलिटी को यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जाना जाता है और वहीं ऑर्डिनल यूटिलिटी को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। बेस लास्ट सिक्स पॉइंट बेस बेस मतलब होता है आधा। कार्डिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस करती है और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड करती है। तो ये होगा डिफरेंस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के प्रकार दे रखे हैं। यूटिलिटी टू टाइप्स की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। इन्हें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता और शॉर्ट फॉर्म MU। द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी और इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब हम क्या करें, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बदलती है। कब बदलती है, जब एक कमोडिटी जो हमारे पास है उससे हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा यूनिट क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, तो हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। या मार्जिनल यूटिलिटी वो होगी जो कब आती है, जब एडिशनल यूटिलिटी क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, जब एक कमोडिटी की हम एक इकाई और ज़्यादा क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। बोल्डिंग अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन दे रखी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी की। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन कंजप्शन। बोल्डन के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब हम टोटल यूटिलिटी में एक यूनिट और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। यूनिट जो हमारी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कंजप्शन हमारा, तो वो होगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। दिस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड एप्पल इज 10 utils 45 - 35। MU कैन दस बी कैलकुलेटेड एज मार्जिनल यूटिलिटी। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि हमारे पास क्या है, 35 है और हमने 10 यूनिट्स और क्या कर ली, उसकी कंज्यूम कर ली, मतलब और हमने 10 यूनिट परचेस कर ली एप्पल, तो हमारे पास कितने हो गए, 35 से 45 हो गए। तो हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस आया 10 यूनिट्स का, कि 10 हमने और क्या किए, परचेस किए हैं, तो वो 10 हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस टाइप से फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी MU इक्वल TUn - TUn - 1 वेयर MU क्या है, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम यूनिट nth यूनिट, n क्या है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कॉमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम यूनिट नंबर ऑफ यूनिट उसके इक्वल में TU लिखा है TUn। टोटल यूटिलिटी दे रखी है यूनिट्स में, उसके नीचे TUn - 1 है, तो TU फ्रॉम n - 1 यूनिट, मतलब यहाँ पर क्या है, जो क्या है नंबर हमने और ऐड किया है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, तो वो आएगा यहाँ पर। इस टाइप से मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट की जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी नंबर ऑफ यूनिट्स में इक्वल टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n - 1, यहाँ पर n क्या रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। व्हेन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड इज मोर देन 1 देन मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड इज, जब क्या होगा हमने एक से ज़्यादा क्या किए कॉमोडिटी कंज्यूम किए और उसमें बदलाव आया, तो इस प्रकार क्या की जाती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट की जाती है। यू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ये दो इसके क्या दे रखे हैं, कैलकुलेशन दे रखे हैं मार्जिनल यूटिलिटी के। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्म्स दे रखे हैं, रूप दे रखे हैं, अलग अलग टाइप्स इसके रूप होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के। विथ कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ अ कॉमोडिटी द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन गोज डाउन, देयरफॉर द यूटिलिटी डिराइव्ड मे बी पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। जब हम क्या करते हैं किसी कॉमोडिटी का कंटिन्यूस लगातार क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन हमारी क्या हो जाती है, गोज डाउन हो जाती है, चली जाती है। देयरफॉर यूटिलिटी डिराइव्ड, तो हमने यूटिलिटी उस प्रकार हमें मिलती है तो पॉजिटिव होती है, 0 भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे हम पहले। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सीमांत उपयोगिता, टिल द टाइम कंज्यूमर गेट सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी इज सेट टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब तक
पर्सन को क्या नहीं मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो वो होती है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ये कल हमने पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव वाला। सेकेंड, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, वेन एडिशनल कंजप्शन गिव नो एडिशनल सेटिस्फेक्शन इट्स ए जीरो यूटिलिटी। जब क्या है, हमने कंजप्शन किया है और हमें एड और ज़्यादा हमने कंजप्शन किया और फिर हमें उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो होता है हमारा जीरो यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी, इफ़ कंज्यूमर कंटिन्यूज द कंजप्शन इवन आफ्टर जीरो यूटिलिटी व्हेन ही गेट्स नो बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन, दैट इज़ नेगेटिव यूटिलिटी। जब क्या कर रहा है, कंज्यूमर कंटिन्यू कंजप्शन कर रहा है, यहाँ तक कि जीरो पर भी उसने कंजप्शन किया और जीरो के बाद और कंजप्शन करने के बाद उसे बेनिफिट नहीं मिलता और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो ये हो जाती है नेगेटिव यूटिलिटी। तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट। तो आज हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, उसके फॉर्म्स पढ़े मार्जिनल यूटिलिटी के, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ी है, और बाकी रिमेनिंग जो हमारा सेकंड टाइप है टोटल यूटिलिटी, उसे हम कल पढ़ेंगे।